प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है सूर्य नमस्कार के इस व्याख्यान में। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से सूर्य नमस्कार की पद्धतियाँ अपनानी चाहिए, किस प्रकार सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, किस प्रकार सूर्य नमस्कार को हम एक चिकित्सा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार हम उसको एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, किस प्रकार अपनी नाड़ियों का संतुलन हम कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने शरीर के कड़ेपन से मुक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी हम लेके आ सकते हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर के जितने भी 7 चक्र हैं, जो ऊर्जा की उत्पत्ति के जो केंद्र हैं, उनको किस प्रकार से हम जागृत कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने अपने ऊर्ध्वगति हम कर सकते हैं अपने जीवन की, किस प्रकार से सूर्य नमस्कार करना चाहिए, इसका एक वैज्ञानिक विवेचन का की व्याख्या हम आपके सामने अभी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सूर्य नमस्कार का परिचय क्या है, सूर्य नमस्कार है क्या, सूर्य नमस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है, सूर्य जो सौर परंपरा है उसका अर्थ क्या है, वैदिक काल में सूर्य उपासना का क्या महत्व रहा है, प्राचीन वास्तुकला में सूर्य का संदर्भ क्या रहा है। तो सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं। सूर्य नमस्कार अर्थात सूर्य को नमन या सूर्य को प्रणाम या सूर्य को नमस्कार करने की जो टेक्निक्स हैं उसको हम सूर्य नमस्कार कहते हैं, जिसके अंतर्गत 12 स्थितियों को रखा गया है, यानी कि 12 आसनों का एक क्रम है जिसके अंतर्गत हम सूर्य की उपासना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसका अनुष्ठान हम करते हैं, उसके बदले हम ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। चूँकि हम आगे बता देंगे कि सौर परंपरा, यानी कि सौर परंपरा वो है जो भी पदार्थ सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो सौर परंपरा के अंतर्गत रखे जाते हैं। जो हमारा सौर मंडल है जिसमें सारे 9 ग्रह हमारे हैं, उन वो 9 ग्रह भी हमारे सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऊर्जा प्राप्त करने का जो एक ही जो माध्यम है, सशक्त माध्यम है, वो केवल और केवल सूर्य है। सूर्य को ही जगत की आत्मा कहा गया है वेदों में, कि इस पूरे जगत की जो ब्रह्मांड की जो आत्मा है वो सूर्य है, और उस सूर्य ही सबको ऊर्जा देता है, सबको आलोकित करता है, सबको प्रकाशित करने का काम सूर्य करता है, और सब सूर्य ही सब ग्रहों को सबको ऊर्जा और प्रकाश को देने वाला होता है। सबके प्रति मित्रता का भाव सूर्य रखता है, सबको आलोकित करने का भाव सूर्य करता है, सबको उद्दीपन हमारे जो चक्र हैं उनको उद्दीपन करने का जो कार्य है वो भी सूर्य के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार हमने जाना कि सौर परंपरा क्या है। सौर परंपरा का अर्थ है जितनी भी चीज़ें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती हैं वो सौर मंडल के अंतर्गत रखी जाती हैं, उन्हें हम सौर परंपरा कहते हैं। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं कि वैदिक काल में सूर्य की उपासना, कि किस प्रकार से वैदिक काल में भी सूर्य को एक उपासना की पद्धति से पूजा जाता था, किस प्रकार सूर्य की आराधना की जाती थी, किस प्रकार सूर्य की उपासना की जाती थी। आप देखेंगे कि जो राम रहे हैं वो राम भी सूर्य वंश के राजा रहे हैं। उस समय सूर्य का वंश था, सूर्य वंश के राजा रहे हैं, जो कि बहुत तेजस्वी, बहुत यशस्वी और बहुत पराक्रमी राजा रहे हैं, जिसका आज तक हमारे सामने हम नाम लेते हैं जिनका, तो श्री राम जी हैं, वो भी सूर्य वंश के राजा रहे हैं। उसके अलावा भी जितने ऋषि महर्षि उस समय के हुए हैं, उन्होंने सब ने सूर्य की आराधना के लिए सूर्य को रश्मियों का देवता, उद्दीपनकर्ता, प्रकाशक, ना जाने कितने नामों से उनको पुकारा है। तो उस समय के जितने ऋषि हैं, जितने राजा रहे हैं, जितने महर्षि रहे हैं या जितने लोग थे, उनकी दिनचर्या में शामिल था कि किस प्रकार से हम सूर्य की उपासना करते हैं, और वो सारे सूर्य के उपासक रहे, और सूर्य की उपासना का प्रतिफल जो उनको मिला वो उनका जीवन जो था वो यशस्वी था, उनका जीवन जो था वो पराक्रमी था, उनका जीवन जो था वो प्रकाश और आलोक ऊर्जा से भरपूर जो उनका जीवन रहा, आरोग्यता से परिपूर्ण उनका जीवन रहता था, सदैव वे एनर्जेटिक रहते थे, ऊर्जावान हमेशा रहते थे, इसका कारण ये रहा। प्राचीन वास्तुकला में सूर्य का संदर्भ हम देखते हैं। हम उड़ीसा में जाएंगे तो कोणार्क का मंदिर जो है, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, कश्मीर में आप जाएंगे तो सूर्य के मंदिर बने हुए हैं, स्पेशल मंदिर हैं सूर्य के, जिसमें सूर्य की ही उपासना होती है। तो आप जब भी यहाँ जाएंगे, कभी देखेंगे, आप उड़ीसा में जाएं, आप आंध्र प्रदेश में जाएं, आप मध्य प्रदेश में जाएं, आप गुजरात में जाएं, आप कश्मीर में जाएं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सूर्य के मंदिर बने हैं, स्पेशल ही वो सूर्य के मंदिर हैं। उसमें सूर्य की आराधना, उसमें सूर्य को एक देवता के रूप में माना है। और देवता किसे कहते हैं? देवता का अर्थ है जो हमें दे, बदले में हमसे कुछ ना ले, यानी कि जो हमें ऊर्जा दे रहा है और बदले में हमसे क्या चार्ज कर रहा है, कुछ चार्ज नहीं कर रहा। जब भी हम देखते हैं, हम एक ट्यूबलाइट हमारे घर में होती है, एक मोमबत्ती हमारे घर में होती है, वो प्रकाश को देती है, लेकिन उसका प्रकाश का जो दायरा होता है बहुत सीमित होता है, और वो बहुत कम समय तक वो ऊर्जा रहती है। जब भी लाइट चली जाएगी या बिजली गुल हो जाएगी तो वो अंधकार हो जाएगा, या मोमबत्ती जो है हमारी वो ख़त्म हो जाएगा, या उसका मोम जो ख़त्म हो जाएगा, तब वो हमारे को प्रकाश देना बंद कर देगी, और बदले में हमारे से उसका चार्ज लिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारा आता है, या मोमबत्ती खरीदने हम जाएंगे तो उससे दुकानदार हमारे से चार्ज करेगा।
यानी कि प्रकाशित तो वो भी कर रही है, प्रकाश तो वो भी दे रही है, लेकिन वो किस प्रकार का प्रकाश है, किस प्रकार की ऊर्जा है, कितना उसका सीमित दायरा है। परंतु सूर्य जो है हमें निरंतर ऊर्जा देता है, निरंतर प्रकाश देता है, और उस प्रकाश का कोई मुकाबला नहीं है, किसी प्रकार का कोई उसकी प्रतिस्पर्धा नहीं है, और वो के बिल्कुल निःशुल्क है, इसलिए उसको देवता कहा गया है। जैसे चंद्रमा है, शीतलता हमें प्रदान करता है, बदले में हमसे कुछ चार्ज नहीं करता, इसी प्रकार जो केवल देने का जो भाव रखता है, देने का जो कार्य करता है, उसे देवता कहते हैं, और देवता देता है, इसलिए सूर्य को देवता के रूप में माना है, इसीलिए उनके मंदिर बने हुए हैं। तो इसलिए एक वैज्ञानिक विवेचन है कि प्राचीन काल में, वैदिक काल में भी सूर्य की उपासना हुई है, और प्राचीन वास्तुकला के संदर्भ में भी हमारे, और यही नहीं, आप मिस्र में देखोगे, मिस्र के पिरामिड आपने देखे हैं जो कि 7 अजूबों में शामिल हैं, कि मिस्र के जो पिरामिड हैं उन्होंने क्या किया कि उस तरह से उन पिरामिडों का निर्माण किया है कि सूर्य की मैक्सिमम ऊर्जा उनके ऊपर पड़े। तो उनके अंदर आप देखेंगे उनके राजाओं के शव रखे हैं जो कि आज तक खराब नहीं हुए, हजारों वर्षों से वो ऐसे ही रखे हैं। इसका अर्थ है कि जब सूर्य हमें प्रकाशित करता है, सूर्य हमें प्रकाश देता है, यदि सूर्य की किरणों का सही प्रयोग किया जाए, यदि उसकी टेक्निक अच्छी वैज्ञानिक विधि से उस टेक्निक का उपयोग किया जाए, तो हम बहुत सारी चीज़ों को खराब होने से बचा सकते हैं। इवन हमारी बॉडी है उसको भी हम बचा सकते हैं। हजारों साल तक आप देखेंगे मिस्र में वो जो राजाओं के शव रखे हैं वो एज इट इज़ रखे हैं, ना उनमें दुर्गंध है, ना उनमें किसी तरह का कोई कीड़ा उनमें लगा है, ना किसी तरह की बदबू उनमें है, ना किसी तरह की विकृति उन शव में आई है। तो इस प्रकार सूर्य जो है वो प्रोटेक्टर का काम करता है, आपको सेफ रखता है हमेशा और सदा, और लंबे समय तक कहेंगे दीर्घ पर्यंत तक आपको सही रखने का जो है वो कार्य सूर्य करता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि प्राचीन वास्तुकला में भी सूर्य का संदर्भ रहा है, मिस्र के पिरामिड उसमें शामिल हैं, या फिर हमारे आंध्र प्रदेश का, कश्मीर का, गुजरात का, वह आपका उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर है वो उसका उसकी एक देन है। इसके बाद हम देखते हैं कि सूर्य नमस्कार जो है, जो 12 तकनीक जो है, 12 आसन जो हम करते हैं, उसके पहले सुझाव क्या हैं, उसके निर्देशन क्या हैं, किसकी निर्देशन में करना चाहिए, और किस किस प्रकार की उसमें पूर्व की तैयारियां करनी चाहिए। तो अभ्यास पूर्व की तैयारियों की चर्चा हम करेंगे, आवृत्तियों की संख्या की चर्चा हम करेंगे, अभ्यास का समय व स्थान हम बताएंगे, वह किस प्रकार की सावधानियां आप इसमें रखें, इसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। तो अभ्यास पूर्व की तैयारी में सबसे पहले आप अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास की पूर्व की तैयारी होती है तो वार्म अप आपने करना चाहिए, ज्वाइंट एक्सरसाइज जितने भी हैं वो हमने करनी चाहिए, सूक्ष्म व्यायाम जिनको हम कहते हैं, जितने भी बॉडी में ज्वाइंट होते हैं पहले उनको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट राइट, अप डाउन, सब दिशाओं में घुमा के और पूरे शरीर को एक वार्म अप कर लें, गर्म कर लें, ऊष्मा आपके शरीर के भीतर भर लें। उसके बाद आप सीधे ही सूर्य नमस्कार के जो 12 पोजिशन हैं उनको सीधे ना करें, उनको सीधे एकदम से आपको कि आपके अंदर पारंगतता नहीं आती है और एकदम से आप अभ्यस्त नहीं होते हैं तो उसमें कुछ खराबी की संभावना होती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे पहला आसन है तो पहले आसन को आप करें, पहले आसन को करते रहें, बीच में फिर दूसरे आसन को आपने कर लिया, तीसरे आसन को कर लिया, या पांचवा आसन आप आसानी से कर सकते हैं तो पांचवें आसन को कर लिया, दसवें आसन को आप आसानी से कर सकते हैं तो दसवें आसन को कर लिया, और इस प्रकार से जब आप सब आसनों में आपकी अभ्यस्तता हो जाती है, सब आसनों को आप आसानी से कर पाते हैं, सब आसनों को आप सुखपूर्वक कर पाते हैं, बगैर किसी परेशानी के आप आसनों को कर पाते हैं, उसके बाद आप वो जो कर्मताल है जो हम आगे जिसकी चर्चा करेंगे उसको आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, खाना खाने से पहले आप इसको करें, सूर्योदय के समय आप इसको करना आपको करना चाहिए। तो इस प्रकार अभ्यास पूर्व की तैयारी आप कर सकते हैं। आवृत्तियों की संख्या, आवृत्तियों का अर्थ है कितने राउंड उसके हम करें, तो राउंड का सबसे पहले आप 2-3 राउंड से स्टार्ट करके मैक्सिमम आप 108 राउंड इसके कर सकते हैं, यानी कि 108 आवृत्तियाँ आप इसके कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको आपका जो आपकी जो बॉडी की कैपेसिटी है, आपका जो सामर्थ्य है, आपकी जो अवस्था है, उसको आप मद्देनजर रखेंगे और किसी योग्य गुरु के निर्देशन में उन आवृत्तियों को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जब आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, यानी कि आपकी बॉडी आपको प्रेरित करती है उसको करने के लिए, तभी आप करें, किसी की बहस में या किसी की जिद में या किसी को कि दिखावे में आप उसको आके आवृत्तियों की संख्या ना बढ़ाएं, एकदम से स्पीड से ना करें, बहुत स्लो ना करें, वो एक अच्छे निर्देशन में रह के आप इसको सीख सकते हैं, उसमें आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद अभ्यास का समय क्या रहना चाहिए, वह स्थान क्या होना चाहिए, स्थान बहुत खुला होना चाहिए, बहुत जिस जहाँ पे सूर्य का प्रकाश आता हो, हवा का आवागमन वहाँ पे आता हो, वेंटिलेशन वहाँ पे अच्छे प्रकार से हो, और बिल्कुल जो कूड़ा करकट है या जो गंदगी है या जो दुर्गंध का जो वातावरण है उससे बिल्कुल दूर होना चाहिए आपका स्थान।
बहुत पवित्र होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, किसी प्रकार का की मक्खी या मच्छर आपका वहाँ नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का अन्य कीट पतंग वहाँ पे नहीं होना चाहिए। वह समय समय सबसे उपयुक्त जो समय रहता है सूर्य नमस्कार का, तो सूर्योदय के समय रहता है। जब हम सुबह उठते हैं और सूर्य उदय हो रहा होता है, सूर्य की जो लालिमा हमारे सामने दिख रही होती है, उस समय भी हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो सबसे ज़्यादा लाभ हम प्राप्त करते हैं। कुछ हमारे भाई बहन जो है सूर्य नमस्कार को केवल इतना मानते हैं कि जब भी सूर्य निकलता है वो उठते हैं एक लोटा पानी का लेके और सूर्य की तरफ करके उसको अर्पित करके वो समझते हैं कि इति श्री, यानी कि सूर्य नमस्कार हो गया और मैंने सूर्य की उपासना कर ली। लेकिन ये भी एक वैज्ञानिक तकनीक है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। ये एक उसमें भी आप देख सकते हैं कि आप जब पानी को सूर्य की तरफ अर्पित करते हैं तो उस पानी के बीच से आप सूर्य को देखें, यानी कि आपकी आंखों के और सूर्य के बीच में उस पानी का स्थान होना चाहिए। तो वो सबसे अच्छी टेक्निक है। उस टेक्निक को भी बहुत सारे लोग ऐसे ही उसको पानी को अर्पण कर देते हैं, वो गलत है। उस टेक्निक को आप देखेंगे कि पानी और पानी के उस पार सूर्य होना चाहिए, इस पार आपकी आंखें होनी चाहिए, उस प्रकार आप देखेंगे तो आपकी आंखों की लालिमा समाप्त होगी, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आपके अंदर तेज और ओज का प्रभाव निरंतर बढ़ेगा। इस प्रकार का आप कर सकते हैं। उस प्रकार उसके बाद आप जो सूर्य नमस्कार है, सही मायने में जो सूर्य नमस्कार है जिसको ऋषियों ने ईजाद किया है, जिसको ऋषियों ने रिसर्च करके बनाया है, वो 12 आवृत्तियों वाला सूर्य नमस्कार है। उसको भी आप करेंगे, केवल सूर्य को प्रणाम करना, केवल सूर्य को जल चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। इसमें ही इति श्री आप ना करें, बल्कि उससे आगे भी जो टेक्निक्स हैं उनका पालन आप करेंगे तो आप पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे, आरोग्यता को प्राप्त करेंगे जिसकी आज जरूरत है, हमारे को नितांत आवश्यकता जिस चीज़ की है। तो अभ्यास का समय मैंने आपको बता, लेकिन कई व्यक्ति कहते हैं कि सुबह यदि मैं चूक जाता हूँ तो शाम को क्यों करूँ। शाम को भी आपको कर लेना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम को आप जरूर करें उसको, यानी कि हर दिन सूर्य नमस्कार आपको करना ही करना है। सूर्य पूरे जगत की आत्मा और सूर्य व्याप्त है, आप इसको कर सकते हैं। फिर सावधानियाँ किस किस प्रकार की हमें बरतनी चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ होनी चाहिए, तो सावधानी का सबसे मुख्य बात है कि आप खाना खा के इसको न करें एकदम से। कहीं बहुत ज़्यादा हैवी आपने एक्सरसाइज की है या बहुत मेहनत का जो कार्य किया है, तुरंत उसके बाद आप इसको ना करें। इसको करने के लिए आप ढीले ढाले वस्त्र पहने, बहुत टाइट कपड़े आप न पहने, बहुत जिसमें आपका जो शरीर है कसा हुआ हो उस तरह के कपड़े आप न पहने, आपका पेट साफ होना चाहिए, यानी कि शौचादि क्रियाओं से निवृत्त आप होने चाहिए और किसी प्रकार का रोग आपको नहीं होना चाहिए, यानी कि जो बहुत सारे असाध्य बीमारियां जो होती हैं, जैसे आपको हृदयघात हुआ है या आपको ब्रेन हेमरेज हुआ है या आपको किसी और तरह का कोई आपका बड़ा ऑपरेशन यदि आपका हुआ है किसी डिजीज़ का, तो भी आप इसको न करें। किसी योग्य गुरु के निर्देशन में आप इसको करें और इसके करने के तुरंत बाद आप शवासन का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि इसमें पूरी एनर्जी आपकी खर्च होती है, पूरा ऊर्जा का काम आपका होता है। तो इसके बाद आपको सूर्य नमस्कार के बाद आपको शवासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इस प्रकार की आप सावधानियां सूर्य नमस्कार के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सूर्य नमस्कार का क्रम क्या है, तो हम चित्रों के माध्यम से आपको समझाएंगे। ये सबसे पहले जो आप चित्र देख पा रहे हैं ये प्रणाम आसन है। सबसे पहला जो आसन है ये प्रणाम आसन है। इस प्रकार हम प्रणाम करते हैं सूर्य को सबसे पहले, और प्रणाम से हमारा जो है समर्पण का भाव पैदा होता है। जब भी हम किसी को हाथ जोड़ते हैं, अपने बड़े को हाथ जोड़ते हैं, अपने गुरुजन को हाथ जोड़ते हैं, अपने से सुपीरियर को हम हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उसी प्रकार सूर्य हमारे से सुपीरियर है, हमसे बड़ा है और हमें ऊर्जा को देने वाला है, हमारा देवता है, तो उसको प्रणाम आसन यानी कि उसके प्रति समर्पण का भाव हमारा होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस आसन में क्या है, हम सीधा दूसरा करते हैं जिसमें शरीर हमारा खींचेगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि समर्पण भाव की सबसे नितांत आवश्यकता आज हमारे जीवन में है। समर्पण भाव के बिना आप किसी चीज़ को कर ही नहीं सकते, और सूर्य नमस्कार में जब तक आपका समर्पण नहीं होगा, जब तक आपकी श्रद्धा सूर्य के अंदर नहीं होगी, तब तक प्रणाम आसन आप नहीं करेंगे, तब तक ये आप चीज़ें आपके अंदर नहीं आएंगी। और धैर्य को देने वाला आसन है, आपके अंदर धैर्य आएगा इसके करने से। दूसरा हम क्रम देखते हैं हस्तोत्तान आसन, यानी कि हस्त उत्तान आसन इसको कहते हैं। आप अपने शरीर को पूरा पीछे लेके जाते हैं, श्वास को भरते हुए अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हैं और पूरा पीछे श्वास को भरते हुए जाते हैं। इस प्रकार हम करते हैं हस्तोत्तान आसन। इसके बाद हम तीसरा आसन जो देखते हैं वो है पाद हस्त आसन। अपने पूरे शरीर के श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे आते हैं और अपने नीचे पैरों के साथ में अपने हाथों को सटाते हैं, और जो अपना सिर है, जो अपनी गर्दन है, उसको अपने घुटनों के पास लेके आते हैं। इस प्रकार आप पाद हस्त आसन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं
चौथा जो आसन है अश्वसंचालन, यानी कि बाएं पैर को आप आगे रखते हैं, दायां पैर आपका बिल्कुल पीछे जाता है, गर्दन और जो कंधे होते हैं आपके बिल्कुल पीछे की ओर मुड़े होते हैं, अश्वसंचालन आसन। इस प्रकार ये चौथी पोजिशन है। पाँचवीं पोजिशन देखेंगे आप पर्वतासन। अपने दोनों हाथों को सामने रख के दोनों पैरों की एड़ियाँ टिकाकर गर्दन को पूरा झुका के छाती के साथ मिलाना और अपने आँखों से अपने नाभि को देखना, अपनी नेवल को देखना, इस प्रकार का जो आसन है वो आपका पर्वतासन है। ये आपकी पाँचवीं पोजिशन है। छठी पोजिशन में आप देखेंगे अष्टांग नमस्कार। आप इसको दो तरह से कर सकते हैं। बाईं तरफ आप देखेंगे कि उन्होंने घुटने, छाती और माथा लगा रखा है, यानी कि अष्टांग नमस्कार, आठों चक्रों को उन्होंने समर्पित कर रखा है। इस प्रकार आप अष्टांग नमस्कार कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस तरह से सुविधा महसूस ना करें तो साथ में जो शशांक आसन है उसको आप कर सकते हैं। दोनों घुटनों को फोल्ड करके और अपने दोनों हाथों को आगे झुका के माथे को मैट के ऊपर रख के इस प्रकार आप कर सकते हैं। इसको शशांक आसन कहते हैं। अष्टांग नमस्कार में दोनों पोजिशन आप कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे आप भुजंग आसन। भुजंग आसन, कोबरा पोज भी इसको कहते हैं। अपने दोनों हाथों को मैट के ऊपर रख के अपने पूरे हिस्से को, नाभि तक का जो हिस्सा है आप पीछे उठाएंगे, गर्दन बिल्कुल पीछे मुड़ी रहेगी, कंधे बिल्कुल पीछे और पंजे बिल्कुल कड़ाई से बिल्कुल आपके मैट पे टिके रहेंगे। इसके बाद देखेंगे पर्वतासन। इसके बाद पुनरावृत्ति होती है। पर्वतासन। पर्वतासन आपकी पाँच नंबर की जो पोजिशन है वही आपकी आठ नंबर की पोजिशन होती है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो नौ नंबर की पोजीशन होती है अश्वसंचालन, वो ही आपकी चार नंबर की पोजीशन होती है। केवल इसमें इतना फर्क है, उसमें पहले दायां पैर पीछे था, इसमें अब बायां पैर पीछे है। यानी कि वो पहले बायां पैर आगे था और दायां पैर पीछे, अब इसमें दायां पैर आगे है और बायां पैर इसमें हम पीछे रखते हैं। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं अश्वसंचालन। इसके बाद हम दसवां जो आवृत्ति है, दसवीं जो पोजीशन है वो है पादहस्तासन, जो कि तीन वाली पोजीशन है। इसके बाद हम देखेंगे हस्तोत्तानासन, यानी कि जो दो वाली जो आपकी पोजीशन थी वही आपकी ग्यारह वाली पोजीशन रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं बारह प्रणाम आसन, यानी कि फिर से समर्पण भाव और उसको प्रणाम, बारंबार उसको प्रणाम हम करते हैं। धैर्य की उत्पत्ति इस आसन से हमारी होती है। इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार इस आगे स्लाइड में हम देख रहे हैं कि सूर्य द्वारा चक्रों का जागरण, कि चक्र क्या है सबसे पहले हम ये देखेंगे, फिर शरीरस्थ चक्रों की जो स्थिति होती है उसको हम देखेंगे। चक्र क्या है? चक्र हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा को जो केंद्र हैं, जो ऊर्जा केंद्र हैं हमारे शरीर में, जो ऊर्जा को की उत्पत्ति के केंद्र हैं और ऊर्जा को ट्रांसफर करते हैं और ऊर्जा को एक उद्दीपन का कार्य करते हैं, उनको अतिशय केंद्र भी हम कहते हैं, उनको हम चक्र कहते हैं। और हमारे शरीर में सात चक्र होते हैं, तो आप स्लाइड के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार शरीरस्थ चक्रों की स्थिति होती है। सबसे पहले मूलाधार चक्र, यानी कि जो रूट है हमारा, सबसे नीचे से हम देखेंगे उसमें हम रूट है जो हमारा, वो इसमें देखेंगे, आप देख रहे हैं ये रूट हमारा है, इसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं। यानी कि जो हमारे बिल्कुल नीचे की स्थिति में नीचे स्थित है। और इसके बाद हम देखेंगे स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र जो हमारा बिल्कुल नाभि से बिल्कुल नीचे का जो भाग होता है वो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र का होता है। इसके बाद आप देखेंगे मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र देखेंगे बीच में है, बिल्कुल पेट के बिल्कुल ठीक ऊपर आप देख रहे हैं। उसके बाद अनाहत चक्र जो हमारे हृदय प्रदेश में रहता है बिल्कुल, और उसके बाद विशुद्धि चक्र जो हमारे गले में है, उसके बाद आज्ञा चक्र जो हमारे माथे में है, और उसके बाद सहस्त्रार चक्र है जो कि हमारे पूरा सिर के जो ऊपरी जो हिस्सा है उसमें स्थित है। इन सभी चक्रों की जो चक्र हैं, इन चक्रों का जागरण हमारा होता है सूर्य नमस्कार के माध्यम से। और इस प्रकार हम मूलाधार से लेकर स्वाधिष्ठान से लेकर मणिपुर से लेकर अनाद से लेकर विशुद्धि से लेकर आज्ञा से लेकर सहस्त्रार चक्र तक को जागृत करने का जो कार्य है वो सूर्य नमस्कार द्वारा करते हैं। और जिस प्रकार हमारे चक्र जागृत होते हैं ठीक उसी प्रकार हमारी जो ऊर्जा है वो नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होती है, और वो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होते होते हमें हमारे सहस्त्रार चक्र में जब आती है, और वो सहस्त्रार चक्र जब हमारा खुलता है तो हम समाधिस्थ हो जाते हैं, हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जो योग का जो परम लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करने का जो कार्य है वो करते हैं। जब हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है तो उस समय हमारी जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी डिजीज होती हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। किसी प्रकार की डिजीज उसमें नहीं रहती, किसी प्रकार का रोग हमारे को नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार स्वाधिष्ठान चक्र जब हमारा जागृत होता है तो हमारे को पेट का जो पाचन तंत्र हमारा है उसका कोई रोग नहीं होता। ठीक इसी प्रकार मणिपुर चक्र और स्वाधिष्ठान जो चक्र जो हैं उनसे हमारी
काम करने की जो क्षमता है यानी कि कामुकता है वो भी बढ़ती है और उसमें हम एक पारंगता हासिल करते हैं। मणिपुर चक्र से हमारे पाचन तंत्र को मजबूती मिलती है। अनाहत जो चक्र होता है हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है। हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं यानी कि ईड़ा प्रधान व्यक्ति जब होते हैं तो बहुत सारे रोग हमारे को होते हैं, बहुत सारे कष्ट हमारे को हो जाते हैं। हम इमोशनली बैलेंस नहीं कर पाते अपने आप को और इमोशनली बैलेंस नहीं कर पाते तो हम इनबैलेंस हो जाते हैं, जिससे कि हमारे बहुत सारे विकार हमारे शरीर में आ जाते हैं, अवसाद हमारे को घेर लेता है, चिंता हमारे को घेर लेती है, डिप्रेशन में हम चले जाते हैं। तो हम आपके इमोशन को जो कंट्रोल करने का काम करता है वो अनाहत चक्कर करता है, विशुद्ध अनाहत चक्कर करता है। अनाहत चक्कर के बाद आप देखेंगे विशुद्धि चक्कर, यानी कि आपकी वाणी में ओज जो आती है, आप जो बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी आवाज़ को सुनना लोग पसंद करते हैं, वो ओज का प्रभाव होता है। वो आपका विशुद्धि चक्र जब जागृत होता है तो आपके शरीर में ओज की प्राप्ति होती है, आपकी वाणी में ओज आता है। और जैसे ही हो जाता है तो आपका जो थायराइड और जो पैराथायराइड जो ग्लैंड है वो एक्टिव होता है उसके करने से, और थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के एक्टिव होने से आपके पूरे शरीर का जो संतुलन है वो सही रहता है, बैलेंस रहता है, किसी प्रकार का इनबैलेंस वो नहीं आता, उसमें असंतुलन नहीं आता, तो सारा शरीर आपका वो है बैलेंस में रहता है। इसी प्रकार जब आजा चक्र हमारा जागृत होता है तो बुद्धि का जो स्तर है वो बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म जो विषय हैं उनको भी हम आसानी से समझ पाते हैं और उनको आसानी से समझ के ग्रहण करके हम उनको कंठस्थ रख सकते हैं, उनको बुद्धि में रख सकते हैं। इस आजा चक्र जब जागृत होता है तो हमारे तीन प्रकार की बुद्धि का जो स्तर होता है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो सबसे पहले तामसिक और जो राजसिक जो है वो आपकी तामसिक तमोगुण प्रधान है, जो कि आपको किसी प्रकार की क्रियाशीलता से रोकता है, किसी भी प्रकार की क्रियाशीलता को नहीं आने देता, वो रोकता है, उसकी समाप्ति होती है। उसके बाद जब राजसिक जो प्रवृत्ति होती है बुद्धि की, राजसिक प्रवृत्ति होती है वो बहुत चंचल होती है, आपकी बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती, वो चलायमान रखती है, इधर चल रहे हो उधर चल रहे हो, तो इस प्रकार वो आपकी बुद्धि को अस्थिर रखता है, रखने का कार्य राजसिक प्रवृत्ति करती है। लेकिन जब आपका आजा चक्र जागृत होता है तो आपकी जो सत्व गुण प्रधान जो बुद्धि होती है वो जागृत होती है, और वो सत्व प्रधान जो बुद्धि होती है वो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, अध्यात्म मार्ग में प्रेरित करने के लिए आपको अग्रसर रहती है। इस प्रकार आप सहस्त्रार्थ जब चक्र जागृत होता है तो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, तो तमाम तरह के विकार आपके समाप्त हो जाते हैं। कुंडलिनी शक्ति जो होती है, जो मूलाधार में हमें हमारी होती है, और इन सात चक्रों के भेदन को पार करके वो सहस्त्रार्थ चक्र तक पहुंचती है, तो वो कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। और जो कुंडलिनी शक्ति का जागरण है, हठ योग में उसी को योग कहा है कि अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना ही हठ योग का उद्देश्य है। इस प्रकार आप देखते हैं कि अपने मूलाधार चक्र से लेकर अपने सहस्त्रार्थ चक्र तक आप सभी चक्रों का भेदन करके, उस चक्रों को भेदन करके आप अपना मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, कुंडलिनी को जागृत आप कर सकते हैं। इस प्रकार आप सूर्य नमस्कार के आपको फायदे हैं, चक्रों को जागृत करने का काम सूर्य नमस्कार आपका करता है। इस प्रकार आप आगे देखेंगे कि सूर्य नमस्कार द्वारा, किस सूर्य नमस्कार के किस आसन द्वारा कौन सा चक्र आपका जागृत होता है। सबसे पहले देखेंगे प्रणाम आसन, जो कि पहला आसन है, उससे आपका अनाहत चक्र जागृत होता है, जो कि आपका हृदय प्रदेश में स्थित होता है, वो चक्र आपका उससे जागृत होता है। आपके जो इमोशंस होते हैं वो बैलेंस रहते हैं, इससे आपके सारे जितने भी भावनाएं होती हैं, भावनाओं को कंट्रोल करने का कार्य आपका अनाहत चक्र करता है। और प्रणाम आसन से आपकी सारे इमोशन कंट्रोल होते हैं, सारे भावनाएं आपकी कंट्रोल होती हैं, जिससे कि आप किसी प्रकार के अवसाद, चिंता, डिप्रेशन आदि की रोगों से बच सकते हैं, मानसिक रोगों से। इसके बाद देखेंगे हस्तोत्थान आसन से आपका विशुद्धि चक्र जागृत होता है। विशुद्धि चक्र जागृत होने से मैंने आपको बताया कि विशुद्धि चक्र जो है हमारे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को बैलेंस करता है, वो उसको सम रखता है, और उस आपकी आवाज़ में ओज लेके आने का जो कार्य है वो विशुद्धि चक्र द्वारा होता है, वो आपका जागृत होता है। उसके बाद पाद हस्तासन से आपका स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है, जिससे आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रोग भी भागते हैं और आपके पाचन तंत्र भी आपका मजबूत होता है और उधर आपका बहुत अच्छा रहता है, इसके करने से, स्वाधिष्ठान चक्र के जागृत होने से। इसके बाद हम देखेंगे अश्व संचालन आसन। अश्व संचालन आसन से आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है, जिससे आपकी बुद्धि का विकास होता है, आपकी बुद्धि सत्वगुण प्रधान होती है, आपके बुद्धि का जो तमोगुण और रजोगुण है वो समाप्त होता है। इस प्रकार हम देखेंगे पर्वत आसन से आपका फिर से विशुद्धि चक्र जागृत होता है, जिससे आपका थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिव रहता है, बैलेंस रहता है। इसके बाद देखेंगे अब अष्टांग नमस्कार जो है, उससे आपका जो मणिपुर चक्र है यानी कि जो आपका पाचन तंत्र है वो सही रहता है, किसी प्रकार का पाचन तंत्र का रोग आपको नहीं होता, किसी प्रकार का दोष आपके शरीर में नहीं रहता। इस प्रकार आप देखेंगे कि भुजंग आसन से आपका फिर से स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है,
और आपको स्वादिष्टान चक्र आपका मजबूत होने से आपका पाचन तंत्र व आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रोग आपको नहीं होते और वो आपको मजबूत बनाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम अपने चक्रों को जागृत करते हैं। भुजंगासन के बाद फिर जैसे आपका पर्वतासन आएगा, तो पर्वतासन का हमने पहले बताया कि विशुद्धि चक्र जागृत होगा, क्योंकि सात ही आसन इसमें मुख्य रूप से होते हैं, उसके बाद उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। उसके बाद हम भुजंगासन के बाद हम पर्वतासन हम देखेंगे, फिर अश्व संचालन आसन आएगा, उसके बाद पादहस्तासन आएगा, उसके बाद हस्तोत्तानासन आएगा, उसके बाद प्रणामासन का वर्णन हम इसमें करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सारे चक्र जागृत करने का जो कार्य है वो सूर्य नमस्कार के द्वारा होता है। तो इस व्याख्यान में इतना ही, आगे व्याख्यान में हम आपको बताएंगे प्राणायाम को पूरी विधि और पूरा आपका मंत्र क्या रहेगा, उसमें स्थिति क्या रहेगी, उसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार।